ये ऊपर से व्यू देख लो मंदिर का, ऐसे लगता है कि पार्लियामेंट है। तो ये 64 कमरे हैं, उनमें से एक कमरों में ये शिवलिंग जो स्थापित किए हुए हैं, ये देखो हर कमरे में मोस्टली शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, इसी तरह सारे कमरों में ना। चलो बच्चों, बाय बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्वालियर। रात को पहुंच गए थे यहाँ 11 बजे और ये हमारा होटल है, ये देख लो ओयो का, बहुत बेवकूफ़ बनाया ओयो वालों ने और फ़ोटो में कुछ दिखाया और दिया कुछ, और यहाँ आके फिर बार्गेनिंग कर रहे हैं जी दूसरा अपग्रेड रूम ले लो और एक्स्ट्रा पैसे दे दो। वो रूम तो नहीं मिलेगा जो हमने 650 का लिया था, लेकिन यहाँ आके हमें वही कमरा दूसरा कमरा लेना पड़ा 800 में, और वो भी इतना बोल के बस रात को सोना था। सुबह अभी 7 हैं तो निकल रहे हैं हम। तो यहाँ पे ग्वालियर में एक फेमस शिव टेंपल है, तो उसके दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर सीधा निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो हाफ एन आवर लगने वाला है हमारा, और तो वहाँ जाके हम आपको दर्शन कराते हैं शिव मंदिर के और चलेंगे फिर सीधा दिल्ली को। आज हमारी राइड का डे 8 है, 8वां दिन है, और चलते हैं अब सीधा बाइक पे। तो ये हमारा रूम था 105 नंबर, और ये है क्लासिक होटल, ग्वालियर से 20 किलोमीटर आगे है मेन सिटी से, ऑन द वे टू हमारे दिल्ली। कहाँ का डालना है? कोटेश्वर डाल दिया। क्या नाम है? 7100 मितावली है, मितावली। चलो जो शिव मंदिर हम देखने जा रहे हैं वो एक पार्लियामेंट की शेप का शिव मंदिर है, उसी को देख के पार्लियामेंट का निर्माण किया गया था। तो चलते हैं देखते हैं और आपको दिखाते हैं। और सुबह के 7:25 हो गए हैं और हम वापसी की तरफ हो गए हैं, एक सिर्फ मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर सीधा निकल लेंगे दिल्ली को। तो सनराइज़ हो चुका है और मितावली जा रहे हैं हम, जहाँ फेमस शिव मंदिर है वहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद हम वापसी दिल्ली को जाएंगे। तो यहाँ फेमस है वहाँ का स्ट्रक्चर, जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर लिया गया है वो इसी मंदिर से लिया गया है, तो दिखाते हैं आपको। मितावली है ये जगह, मितावली में है ये, अगर गूगल पे मितावली डालेंगे तो आपको सीधा यहाँ पहुँचा देगा मितावली। तो अभी हम हैं मितावली में और हम देखने आए हैं 64 योगिनी मंदिर, जो कि शिव भोले का मंदिर है और ये 100 फुट ऊंची पहाड़ी पे, ये मोर देन 100 फुट ऊपर ऊंची पहाड़ी है इसके ऊपर बना हुआ, और ये गोलाकार शेप में है। 9th सेंचुरी का ये टेंपल है और बताया जाता है काफ़ी यूनिक है, क्योंकि गोलाकार मंदिर बहुत ही रेयर है इंडिया में, और इसी के बेस पे आई थिंक पार्लियामेंट का निर्माण किया गया था इसके डिज़ाइन को देख के। काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा अभी, और ग्वालियर से इसका डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर का है करीब होगा, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो चलते हैं ऊपर, ये रास्ता है, ये पूरा ऊपर तक जाना पड़ेगा इस पहाड़ी के ऊपर।
ताम झाम के साथ। अभी तो चलो ठंड है जिसकी वजह से दिक्कत नहीं हो रही, गर्मी में तो इतना ताम झाम लेके ऊपर नहीं चढ़ सकते। हाय तेरी तो, ये जी सीढ़ियाँ देख लो, ऊपर से व्यू बहुत शानदार मिलेगा यार। चलो ऊपर पहुंच के बात करते हैं। तो हम माउंटेन पे पहुंच गए हैं और मैं पीछे स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, और मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, वाव वाव वाव, कितना शानदार स्ट्रक्चर है यार, और बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह लगता है। तो इसी से आई थिंक इंस्पायर होके पार्लियामेंट का डिज़ाइन बनाया गया है, जैसे ये बिल्कुल सेम पार्लियामेंट लगता है। ये शिव मंदिर 64 योगिनी मंदिर है ये, और भोले का मंदिर है, और ये 9th सेंचुरी का ये टेम्पल है, प्राचीन मंदिर, ये प्राचीन धरोहर है भारत की, और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेतावली जगह है ये, और ग्वालियर से 40 किलोमीटर के आसपास दूर है। चलते हैं अंदर, चलते हैं अंदर से देखते हैं इसको, बहुत ही सुंदर कलाकृति है इस पे, बहुत ही शानदार है। ये भी एक स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे, ऊपर चलते हैं अभी सारा। ये पदचिन्ह देखो पुराने समय के, वाओ 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 क्या बात है। अच्छा तो ये चारों तरफ ये 64 कमरे हैं, और 64 ही पिलर होंगे, और टोटल मिला के मोर देन 100 पिलर्स हैं इसमें। तो मंदिर में चलते हैं, शिव भोले के दर्शन करा देते हैं आपको। ये देखिए भगवान भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बहुत ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जितने भी ये रूम्स हैं इनके अंदर सभी में शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं, और मेन शिवलिंग है जो इस बड़े से मंदिर में है 64, तभी ये इस मंदिर को 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। बहुत ही शानदार है यार, आप अगर इस तरफ ग्वालियर साइड आएँ तो पक्का अपनी आइटनरी में ये मंदिर रखें, बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है ये। तो चलते हैं, थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करके फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे है 64 योगिनी मंदिर, सामने जो गोलाकार मंदिर है, और ये साथ में ही एक चरण पादुका रखी है मातेश्वरी माता की। तो यहाँ के लोकल भाई ने बताया कि यहाँ पे चरण पादुका रखी हुई है, मातेश्वरी देवी है कोई, मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको एक बार चल के, ये देख लीजिए, और ये देखिए यार, और देखना ये देखो, ये सब तोड़ दिए हैं यहाँ पे सारे मुगलों ने, कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हुई थी सब तोड़ दिए। और ये है चरण पादुका के सामने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है यार ये, और ये व्यू देख लो चारों तरफ का, बहुत ही खूबसूरत। और ये 64 योगिनी टेंपल है सामने, एज लुक लाइक पार्लियामेंट, इसी के डिज़ाइन से पार्लियामेंट का डिज़ाइन बना है ऐसा लगता है हमें। तो बस चलते हैं अब, हमने ग्वालियर के पास ये मेन जो अट्रैक्शन थी वो ये हमने कवर करनी थी, और सुबह सुबह हमने कर ली, और इस टाइम ठंडा है इसलिए हो गया, नहीं तो गर्मी में तो बहुत बुरा हाल होता। तो अब चलते हैं सीधा बाइक पे, निकल पड़े हैं मेतावली से, बहुत ही शानदार टेम्पल है 64 योगिनी लॉर्ड शिवा का टेंपल है, और ये मेतावली में है। तो अब भी हमारा घर का डिस्टेंस यहाँ से 350 किलोमीटर दिखा रहा है मेरे घर तक। ये देखिए पुराना ऐतिहासिक, ये सब पुराने समय की दरबार है।
और दोनों तरफ बहुत ही ग्रीन फील्ड है पूरी, बहुत ही शानदार। यार की गैल चले काफला कार का, ये अंडरपास देख लो जी एमपी के जो रेलवे के ट्रैक के नीचे से जा रहा है, रेलवे ट्रैक के नीचे से सामने रेल आ रही है अभी मालगाड़ी। पहले तो जब मैं आया था इस तरफ तब मुझे लगा साला कोई गोदाम है, गोदाम में ना घुस जाऊँ, मैं साइड से निकल गया फिर वापसी आया, आगे ट्रैक में जगह ही नहीं थी। चंबल ब्रिज, चंबल नदी को क्रॉस कर रहे हैं, हैप्पी मुरैना का क्रॉस कर लिया है और अब धौलपुर आ रहा है आगे। धौलपुर में भी एक फोर्ट है आई थिंक, यहाँ से दिखाई दे रहा है दूर से धौलपुर का किला। बहुत ट्रैफिक है यार इस रूट पे, हैवी ट्रैफिक है हैवी। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं आगरा बाईपास के टोल पे और ये गौरव भाई की मट्ठी खा रहे हैं। सही बात है गौरव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप देख रहे हो तो, ये और मैडम को भी थैंक यू बोलना है। बहुत बढ़िया, ये नाश्ता हो रहा है, चाय बनवा ली और ये नाश्ता हमारा, चाय पी के फिर निकलेंगे आगे। तो हमने रवि की दुकान पे चाय पी है, बाय बाय कर दे। चल रवि बाय। रवि ने बहुत बढ़िया चाय पिलाई है अदरक वाली। और ये है आगरा एक्सप्रेसवे, 11:30 हो गए, मोर देन 36 मिनट हो गए लग रहा है। कौन से अभी पलवल पे जाए, इस पे जाएगा है इधर से ये सोनीपत निकलेगा सीधा और ट्रैफिक नहीं मिलेगा तेरे को कहीं भी, अंदर से 1-1.5 घंटा लग जाएगा फालतू। हाँ 106 किलोमीटर है मेरा अभी, बहुत बढ़िया। चल पहुंच के फोन कर दियो, चल ठीक है, बेस्ट ऑफ जर्नी। तो अमित भाई निकल गए हैं पलवल एक्सप्रेस वे पे और हम जा रहे हैं दिल्ली, तो अपनी दिल्ली को। तो भाई का सीधा सोनीपत निकाल देगा और ये बीच का जितना भी ट्रैफिक है वो सब खत्म हो जाएगा, उनको कम से कम 1-1.5 घंटे का फर्क पड़ जाएगा और दिल्ली हम सीधे जाएंगे